हेलो, मैं हूं पांडे। व्हाट्स अप? कितना झूठ, कितना, क्यों इतना झूठ? तेरा दिल जानता है कि कल क्या हुआ है और क्या नहीं। सच बता, पिस्टल था किसी के पास, चाकू था किसी के पास? तू बोल, मेरे अगेंस्ट बोल, जो बोलना है बोल, लेकिन सच बोल, एटलीस्ट सच तो बोल। एनीवे, रूम में एंटर करने से लेकर के रूम से निकलने तक की पूरी वीडियो, पूरी फुटेज इस फोन में है, जिस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। आया समझ? तो पब्लिक से कुछ नहीं छुपेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो दिखा करके लोगों को बताऊं कि क्या हुआ था, तो आप वो भी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो नहीं दिखाऊं और पता लग जाए लोगों को, तो आप, कुछ घंटों का टाइम दे रहा हूं आपको अभी भी, कि आप आइए और लाइव आ करके सच बता दीजिए। क्योंकि अगर मैंने बताया और मैंने दिखाया कुछ भी, तो आपको बहुत हर्ट होगा। आपके अंदाज में आपको बहुत हर्ट होगा। पुलिस आई थी, अधिकारी आए थे तुम्हें बचाने के लिए, हमने अपना जान बचा के भागा है। पुलिस अधिकारी आए तो ये लोग भागे। अबे, इसको मैंने प्यार से कंधे पे हाथ रख के नीचे कैब बुक किया हूं, गाड़ी में बैठाया हूं, फिर ऊपर आया हूं। और इसको पता है कि मैं इसी होटल में स्टे भी कर रहा हूँ। कल रात से तू वीडियो बना रहा है, लेकिन तुझे पता है कि मैं गुड़गांव में ही रेडिशन ब्लू में रुका हुआ हूँ, उद्योग कुछ है विहार करके, वहां पे रुका हूँ। रूम नंबर भी पता है इसको, 709। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी यहीं पे हूँ। ये देख लीजिए बैकग्राउंड, और कल के लाइव वीडियो का भी इसके बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा कि ये होटल है कि नहीं। अभी भी यही हूँ और 3 बजे तक यही हूँ। तो अगर तुम्हारा मन कर रहा है वापिस से सामने से मिल के बात करने का, जो और भी जो चंटू बंटू इधर उधर बोल रहे हैं, उनका मन कर रहा है, वो भी आ जाए, ठीक है? नीचे बोलिएगा रिसेप्शन पे, विशाल सिंह का रूम है, वो भेज देंगे। झूठ मत बोल। मैं तुझे कल भी बोला, समझाया कि देख, ना मेरी तेरी कोई दुश्मनी है ना कुछ है। जो तू बोलता है एक्टर्स के लिए, जो अपने दम पे बने हैं आज की डेट में जहां पर खड़े हैं, उनको बोल के जो डिप्रेशन में लाता है, जो फालतू को मेंटली हरास करता है, वो मत किया कर। इतना मत कर कि तू कोई वीडियो बना रहा है और घर से बाहर निकल रहा है तो तुझे डर है कि कोई तुझे पकड़ लेगा, कोई तुझे मारेगा। खुलेआम जिंदगी जी, अच्छी वीडियोस बना। मैंने सिर्फ इसको यही समझाया, सबके लिए अच्छा बोल। जो तुझे, तू जिसको स्टार मानता है, तो उनके लिए भी अच्छा बना, और जिनको तू नहीं मानता उनके लिए भी अच्छा बना। किसी को भी रोस्ट करना एक अलग बात होती है, लेकिन किसी को पर्सनल अटैक करना इज रॉन्ग। तो मैंने बस इसको यही समझाया है प्यार से बैठा के। इसके भाई भी थे लाइन पे, उनको भी बोला है कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, ये जा रहे हैं, हम लोग सैंडविच खा रहे हैं, थोड़ी देर में ये खा के निकल जाएंगे, एकदम परेशान मत होइए, ये सेफली घर पहुंचेंगे। उन्होंने बोला ओके जी। और जो पेमेंट की बात करी, ये इसने सच बोला, इसने पेमेंट किया था। अब इसने रूम में ऑर्डर किया है सैंडविच और बियर उस लड़की के लिए, तो पेमेंट कौन करेगा? मैं करूंगा, बुलाया तो तू था, तो मैं क्यों करूंगा? तो पेमेंट करके गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है बे? इतना सैंडविच खा रहा तेरे सैंडविच में से, वो भी तूने गिना दिया। अपना जीपे नंबर दे, मैं तेरे को ट्रांसफर मारता हूँ अपने हिस्से का। फालतू बकवास मत कर ये सब। मेरे पास क्या क्या पड़ा ये तुझे भी पता है, तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा कि वो सारी चीजें वायरल हो रही हैं। तो इसको अच्छे से प्यार से यहीं पे खत्म करते हैं, बिना किसी बकचोदी के। तो मनहूस पांडे जी, मत कीजिए ये, दिल से अनुरोध है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहां पर जब आप मिले थे तो मेरे से कुछ मत कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा करेंगे तो मैं जिंदगी भर, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक मैं आपके लिए ही वीडियो बनाऊंगा। किसी के बारे में मैंने बोला मेरे लिए वीडियो मत बना, सबके लिए बना, सबके लिए अच्छा बोल। तू अपने जिनको तू स्टार मानता उनको भी गलत मत बोल। तुझे कभी कहता है अच्छा विशाल जी, लास्ट क्वेश्चन एक पूछना था, जैसे राजन सिंह मुकुट कभी कभी बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट बोल देता है, तो मैं वैसा बना सकता हूं क्या? मैंने कहा अरे तुझे जैसा बनाना है बना, किसी को फैमिली, किसी के फैमिली को अटैक मत कर, किसी को पर्सनल, किसी के पर्सनल लेवल पे मत जा कि वो बंदा देख रहा है वीडियो तेरी 10 बार और गुस्सा आ रहा है, ऐसा मत बना। तुझे रिव्यू देना है किसी चीज का, अपनी जो किसी का गाना आया है, किसी की वीडियो आई है, उस पर रिव्यू दे, वो चलेगा। अपना कुछ गलत, गलत में इन द सेंस कि कुछ अच्छे सेंस में गलत बोलना है वो बोल। किसी को माँ बहन की गालियां दे करके कि वो ऐसा है वो वैसा है वो बोलना गलत है। ये बस बोला कि मत करना, बस इतनी सी बात थी। अब तूने कितना स्ट्रेच किया वीडियो में, इसने ऐसा बुलाया, उसने वैसा किया, ये वैसा किया, मत कर भाई मत कर। तुझे भी सच्चाई पता है और मेरे फोन में सब कुछ है,
कुछ घंटे का टाइम दिया हूं, अगर भाई लाइव आकर के ये चीज तुम नहीं खत्म किए फिर तुम जाना और जो करना हो कर लेना। ओके बाय टाटा।